हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। तो गाइस मैं आ गया हूँ बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ, और ये है मेरी फ्रेंड रितु। हेलो। और ये है अपना भाई। तो गाइस आज मैं प्रैंक करने जा रहा हूँ अपने पापा मम्मी के ऊपर। पापा मम्मी भी बाहर गए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि रिवेंज प्रैंक आप लोगों ने बोला था कि मैंने उस टाइम पर कि मुझे एक रिवेंज लेना है मम्मी पापा के साथ, क्योंकि मेरे ऊपर उन्होंने बहुत मेरे साथ बुरी बनाई थी। तो अभी गाइस हम रिवेंज लेने जा रहे हैं, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने ना राहुल की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, तो जो इनके पापा का गुस्सा है ना वो बहुत भयंकर वाला है। तो वैसे मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ वीडियो से पहले, बट देखते हैं कि क्या होता है। हाँ गाइज, बहुत मजा आएगा। तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और भाई अभी जा रहे हैं जल्दी छत पे, भाई को छत पे भेजने हैं, भाई ने अपना ब्लॉग वगैरह बनाएंगे। तो हम वीडियो अभी गाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्किप मत करना कहीं भी गाइज, वीडियो को एंड तक देखना। चलो गाइज शुरू करते हैं। हेलो गाइज, सो मम्मी पापा आ चुके हैं और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो जल्दी चुप जाओ पत्ते के पीछे। हाँ चुप जाओ। अंदर की साइड हो जाओ थोड़ा मोटा। आ गया जी, आ गया। जी आ गए जी। क्या बस वाला करता है ना, बस लेट हुआ था। कितनी देर की दुकान है? अरे नहीं अच्छा, और क्या कुछ लाए? परेशान कर दिए उन्होंने। बहुत अच्छा भी यहां का है, बहुत ज्यादा देखा है सारा। और क्या देख, एक तो ये लेके आई तेरे लिए। ये क्या? वो है ये रेनकोट। टंकी में पानी भी कम हो रहा है क्या? टंकी में पानी भी कम हो रहा है। टंकी पानी तो भर दी, मोटर चलाई थी यार, पता नहीं मोटर का। तो पता नहीं भाई, पानी कम हो रहा है मोटर का। तो फिर देख परफ्यूम लेके आए तेरे लिए, कितना बढ़िया। बाजार सही है यहाँ का, सस्ता है भाई। वाह देख, 50 रुपए में 3 जुराबे। 50 रुपए में 3 जुराबे पुमा में है, 3 पेयर। देख सस्ती नहीं है ये? कौन है, किसके बारे में? बाहर चलता होगा गाना, ये तो सही है। तो फिर कौन की आवाज आ रही थी? बढ़िया है ना। हाँ। एक ये लिए, ये 50 में 2 दी है। ये जो तू पहनता नहीं छोटी छोटी सी हिडन सॉक्स? हाँ हिडन है, क्या है ये, छोटी छोटी सी थी। वाह सही है। तो मेरे हैंकी वगैरह कुछ छोटी मोटी चीजें और अच्छी, सही है बाकी। ठीक है, सही है, अच्छा लगा। बना 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 दो और सही है, बना रही है। और बस जी सब बढ़िया। देख ये तो आपके साइज, भाई को बोल के आई हूँ मैं। क्या क्या बोल के आए हो? भैया अगर ये क्या नाम है साइज सही नहीं आया ना तो चेंज करा देंगे। सो किसका? रेनकोट का। अच्छा सही मिल रहा था सस्ते में। ठीक है जी, मैंने कहा चल ले आती हूं, तेरा साइज देख लूं। सस्ती चीजें ही खरीदते हो वैसे ज्यादा। सस्ती बात वो नहीं है सस्ती वाली, फिर बात यूं है कि चीज अच्छी थी। हां ठीक, कुछ बना दो खाना वाना। ये क्या है? क्या क्या हिल रहा है? हवा चल रही होगी ऐसे ही। हवा कहाँ चल रही है, खिड़कियाँ तो बंद है सारी। हवा ही चल रही है, हवा तो नहीं चल रही। चाय वाय बना देते। चाय तो बना दूंगी मैं, हट पीछे पर देखने तो दे मेरे को ना। क्या 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 ये हिल रहे हैं कर्टेंस, देख तो हिल रहे हैं। देख सही तो है, 6 सेंटी यहाँ पे कोई भी नहीं है। चाय बना दो। कौन है? लग रहा था मुझे कुछ है इसके पीछे। क्या है? देख है बेटा कुछ, देख हवा चल रही होगी। हवा नहीं चल रही, तू हट ना एक बार, मेरा हाथ तो छोड़। ये कौन है? ये कौन है? हाँ हाँ नहीं, मैं तेरे से पूछ रही हूँ ये कौन है। मेरे को क्या पता कौन है, आप कौन? ये तो पता नहीं मेरे को। चोर कौन है बेटा तू? कौन हो? चोर? चोर क्या, मैं तो तेरे से पूछ रही ना कौन है। मेरे को क्या पता कौन है, मेरे को नहीं पता कौन है। हाँ बुलाओ पापा जी को, बुला लो मेरे को। कौन हो आप? ये कौन है? कौन है बेटा? मेरे को खुद नहीं पता जी कौन है ये। देखना साहब जी, पता नहीं है कौन घुसी हुई है लड़की यहाँ पे। अभी तो हम आए, हमारे बाद आए हैं। नहीं आपके पीछे पीछे आई है क्या? पीछे पीछे कैसे आती, मैं थी नहीं यहाँ पे, पागल बना रहा है मेरे को। मेरे को क्या पता फिर कौन है। घर पे कौन था? तू ही था घर पे?
फिर हमारे जाने के बाद कौन था? मेरे को नहीं पता जी, फिर छोड़ के तो इसको गए पीछे से कि लॉक करे रखी हो, लॉक करके तू ही था घर में, और कौन था? बेटा बताओ ना आप कैसे यहाँ पे, कोई काम था क्या? हाँ क्या हो गया, बोलती क्यों नहीं है ये? मेरे को लग रहा है गूंगी है ये। हाँ गूंगी है ये। तुमको क्या पता गूंगी है? दिख रही इसकी शक्ल से। अच्छा तेरे को शक्ल का पता चल गया है कि गूंगी या बैरी है? मेरे को नहीं। कौन हो बेटा बताओ ना? और गूंगी तो फोन का क्या काम उसके पास, बात किससे करनी है इसकी? मुझे क्या पता, फोन भी ले रखे इसने तो। मेरे को नहीं पता जी उसके बारे में कुछ भी, कैसे क्या सिस्टम है। बेटा बताओ ना क्यों यार कमाल कर रहे हैं तू? क्या करने आई है बेटा यहाँ पे तू? बोल नहीं सकते क्या? पूछ एक बार, पूछ। बोल नहीं सकते? गूंगी है ये, गूंगी है जी। मेरे को नहीं पता कौन है, कैसे क्या बताता क्यों नहीं है? मूर्ख है तू। मूर्ख क्या, मेरे को क्या पता कौन है? कौन ऐसे घर में कोई भी बढ़ जाएगा, तेरे को नहीं पता? उड़ के आई है ये, इससे पूछो। क्या करने आई थी बेटा यहाँ पे हमारे घर? मेरी साइड घूर रही है तो क्यों? तू बता, तेरे साइड घूर रही है और मेरी मेरे को घूर रही है? मेरे को नहीं पता जी कौन है ये, मेरे को नहीं पता। इसको बाहर निकाल दे, ऐसा करो जाओ है? बाहर निकाल लो इसको घर से। क्यों? क्या पता कौन हो चोर वोर। चोर कैसे आ गई तू ना, एक तो फद्दू कम बनाएगा, समझ गया ना? कौन है ये तू? बेटा मम्मी मेरे को क्या बता, मेरे को नहीं पता जी सच में कौन है। मैं क्या फद्दू बनाऊंगा इसमें, ये मरवाए यार। लड़कियों का मामला होता है, तेरे को समझ लेकर तू बात को बिगाड़ने शहर में आए यहाँ, ठीक है ना? ये चक्कर क्या है ये बता। ये हमारे डोबरे गली में फिकवाएगा जी, इसका यही है, हमेशा का यही है इसका। इसको बाहर निकालो, चलो बाहर चलो तुम। इसको क्यों बाहर निकालो, है कौन ये? नहीं पता फिर मेरे को, आपको भी नहीं पता ना मेरे को पता। फिर इसको बाहर निकाल लो, कौन है? चोरी वोरी करने आई है पक्का। मैं बताता हूँ जी, रुक जाओ रुक जाओ, तुम रुक जाओ। अब कैसे बता रहे तू? मेरी डर गई थी ये, मैं बता रहा हूँ रुक जाओ, तुम रुक जाओ। ये ना मैंने खाने वाले के लिए, खाना बनाने के लिए है, खाने वाली है ये, मैंने सोचा आप तंग होते हो ना, ये ऐसे कपड़ों में खाना बनाने के लिए आएगी, ऐसी मॉडर्न। हाँ तो गुड़गांव शहर मॉडर्न शहर है ना, तो यहाँ पे महंगे महंगे इनके बस थोड़े रेट ज्यादा होते हैं। जैसे और तो लेती है 1500-2000 रुपए, ये 5000 रुपए लिया करेगी। बढ़िया बढ़िया डाल के आएगी तो इसलिए। इसको झूठ क्या है काम करने की, इतनी इसके तो वैसे ही मॉडर्न है, तो इसके पास कमी मिलेगी है किस चीज की? इतना महंगा फोन ले रखे इसने, कमी किस चीज की? ये लोगों के घर में खाना बनाने के लिए जाएगी, क्यों पागल बना लग रहे है? रख इसको, क्यों पागल समझ रखे? क्या पागल जी बताना, क्या किस लिए आई है घर पे? मेरे को खाने वाली है जी सच में, ये डर के छुप गई थी। मेम साहब आ गई, मेम साहब आ गई, पड़ गई पीछे छुप गई। मेम साहब मैं लग रही हूँ, मैं तो काम वाली लग रही हूँ, मेम साहब तो ये लग रही है। छुपने का भी क्या मतलब इसका? ये तो खाने वाली है तो मम्मा। सेंटी तू मरवाएगा हमें, तू हमने देख लिया, तू नहीं छोड़ेगा हमें कहीं का भी। इसीलिए इसको यूं कहता था ये गुड़गांव मत जाओ जी, मत जाओ। क्या चीज करने के लिए जी? ये जो तू कर लग रहा ड्रामे, किस बात के है? क्या मतलब है? इसने मुझे फोन किया था कि मिलने के लिए आ जा फटाफट, और मम्मी पापा भी घर पे नहीं है। हेलो आप मेरी सर पड़ रही है, तब कैसे मेरे को नहीं पता जी कुछ भी सच में? देखो मुझे आंटी, इसने मेरे को बुलाया था। कमाल कर लग रहे यार। ना जी मेरे को नहीं पता इसका कुछ भी, ये तो खाने वाली है, तुम मुझे क्यों फंसा रही हो? खुद पर देगी पीछे बोली मैम साहब आ गई। मैंने डर की मेरी बात सुन, सर सर बता दे सेंटी मेरी। फिर मेम साहब आ गई तो फिर क्या हो गया? भूख है तो फिर उसको डरने की क्या जरूरत है? पर्दे के पीछे वही तो मैंने कहा डर की, डर क्यों रही है? फिर नहीं नहीं सरप्राइज करूंगी, डब्बा करूंगी, फिर पता नहीं। अच्छा हम यहां पे छुपन छुपाई खेल रहे, डब्बा करूंगी मैं ऐसे मम्मी से एंटी करने के लिए? बदतमीज साहब मारना पड़ी करो, अकल में तो नहीं आ गया है? मेरे क्यों मार रहे हो जी? और इसको मारो क्यों? इसकी क्या गलती है? ये छुपी है जी पर्दे के पीछे, मैं थोड़ी ना छुपाऊं। मेरे को नहीं पता, पीछे से बात पहले तो सही बता, सही बता, सही बता। इसको क्यों मार रहे हो? वैसे देखा जाए तो गलती इसकी है, छुपी तो ये है ना। ये अपने आप घर में आ गई, अपने आप एड्रेस मिल गया इसको यहाँ पे आने का। मेरे को कुछ भी नहीं पता अम्मा, मैं तो सच बोल रहा हूँ। नहीं किसको पता है इसको? बेटा तेरे पाती है शर्म, अच्छे घर के तुम बच्चे हो, बता ऐसे से काम कर रहे हो? अब छुपने की क्या जरूरत थी जब तुम इससे मिलने आई हो तो? इसके पापा के पास फोन, इसके पापा के पास फोन दो तो मैं पापा तुम्हारे पापा नंबर बताओ, नंबर बताओ मेरे को। क्या नहीं है
नंबर बताओ। नहीं आंटी, मेरे को इसने बुलाया था, मेरे को इसने बुलाया था। यार आप मेरे सिर पे क्यों पड़ रहे हो? सेंटी सच सच बता दे, अभी मैं बोलने लग रहा हूँ, सही सही बता दे मेरे को। सच बोल रहा हूँ जी, मैं तो मैंने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी पता, ये तो अपने आप काम वाली थी, ये खाना बनाने वाली। और किसको बताया फिर? क्यों फंसा रहे? अभी मुझे फंसा रहे, इसने मुझे बुलाया। तुम दोनों ही बताओ फिर तो तुम्हें। मुझे मेरे को नहीं पता जी, कौन लोग बोल रहे हो आप, कौन लोग कहां से आए हो? देखो मुझे मत फंसाओ, सच सच बता दो आंटी को। क्या सच सच देखना है? मम्मा आराम जाते, तू हमें कहीं टिकने देगा क्या? नहीं मम्मा, सच में नहीं बताया मेरे को। फिर ये ऐसे ही आ गई, इसको घर का पता चल गया। ये सच में मैं तोड़ दूंगा, देख ले ये कौन बनाने वाली है। अब्बा जी ज्यादा यहाँ पे भी यही ड्रामा करेगा तो गुड़गांव आके भी। मम्मा ड्रामा क्या करूंगा मैं, लाया किस लिए था मैं, ऐसे बेइज्जती करवाने के लिए क्या? अब्बा जी इससे पूछो ना कौन हो आप, तू ही बता दे क्या करने आई है यहाँ पे। आंटी मुझे ना इसने फोन करके बुलाया था कि घर पे ना कोई नहीं है, आ जाओ मिलने। शर्म आ रही है ऐसे कर, सामान वगैरह पैक करो और वापस चलो नरवाना। ये इसे मरवा, देख लिए सामान वगैरह पैक कर, चलो वापस। क्या मुंह दिखाएंगे अब जाके, आराम जा दे, बेस्ती पे बेस्ती करवाता रही। दिमाग खराब कर रखे तने, मुझे क्यों फंसा रहे हो, खाना बनाने वाली हो आप तो। ये तेरे को खाना बनाने वाली दिख रही है, किस एंगल से लग रही है बेटा ये खाना बनाने वाली है? अब भी तू, मैं सही था, इतना गुस्सा उठा रखे तेरे। नहीं नहीं घर में शिफ्ट हुए हैं, तुम्हारे क्या यहाँ पे मैं बेइज्जती करवाएगा क्या? किसने कहा तेरे को खाना बनाने वाली बुलानी है, पूछा तूने हमसे? मैंने सोचा कि मम्मा की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। क्या हेल्प करेगी ये, खाना बना दी करेगी, इसका भी तेरी माँ ने बनाना पड़ेगा। सब कुछ आता है, आता था ना तो बेटा पीट कर दे। बेटा आप खाना बनाते हो खाना आप? नहीं। काम कर लोगे? नहीं अंकल। अब बता ना, अब हंस रहा है, हंस रहा है, कुत्ता बन गया। तुम दोनों भाई चोर, ये मेरी फ्रेंड है जी। ज्यादा जोर से खींच देगा बेटा बाल। नहीं चिल्ला पड़ी है तो, ये तो पागल है, फिर आप क्यों मिले इसके साथ? आपने इसका साथ दे दिया प्रैंक करने में। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ऊपर भी तो करते रहते हैं। तो फिर ऐसे सांस फूल गई थी, चलो एक में बोल दो यार, बहुत सारे लाइक करेंगे। लाइक करो बेटा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो तो आपको पता लग जाएगा। ओके गाइस, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और वीडियो को बहुत सारा फैला दो। अब भी बोल दो कुछ, और वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ज्यादा से ज्यादा खाना बनाओ। थैंक यू सो मच।